फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गुल्लक ऐप से पैसे कैसे कमा सकते हो। तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको अर्निंग से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वह सभी आपको वहाँ पे मिलता रहता है, जिससे आप वहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको गुल्लक ऐप का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके गुल्लक ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप गुल्लक ऐप को ओपन करते हो तो आपके सामने अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो जिस भी नंबर के थ्रू यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, सिंपली आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ओटीपी ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। अगर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ओटीपी फिलअप नहीं होता है तो यहाँ पे आपको मैनुअली अपना ओटीपी एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आ जाता है गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे गुल्लक ऐप पे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो गुल्लक ऐप पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं कि हम गुल्लक ऐप से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गुल्लक ऐप एक इन्वेस्टिंग ऐप है जिसके थ्रू यहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे आप रिटर्न्स अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे आप मिनिमम 10 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्कवर गुल्लक का। अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का सभी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अप टू 16% गुल्लक गोल्ड प्लस एक्स्ट्रा रिटर्न्स इन गोल्ड। यानी अगर आप इस प्लान को सिलेक्ट करके गुल्लक ऐप के थ्रू डिजिटल गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आप 16% तक रिटर्न अर्निंग कर सकते हो पर ईयर। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है गोल्ड SIP का, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप डिजिटल गोल्ड में SIP अपना शुरू कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनुअल गुल्लक्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल डिजिटल गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है क्वाइन डिलीवरी का, यानी अगर आपको गोल्ड का क्वाइंस चाहिए या फिर आपको सिल्वर का क्वाइन चाहिए तो यहाँ पे आप होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिल्वर का, तो यहाँ पे आप मिनिमम 50 रुपए से सिल्वर में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बाय ज्वेलरी का, तो यहाँ से आप ज्वेलरी भी बाय कर सकते हो और इसे आप होम डिलीवरी अपने घर पे मंगा भी सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम जानते हैं कि हम डिजिटल गोल्ड में यहाँ पे पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक इन्वेस्ट मोर का, एक विथड्रॉ का। तो अगर आपने यहाँ पे पहले से पैसे इन्वेस्ट कर रखा है उसे आपको विथड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे विथड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने पैसों को विथड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे न्यू हो और आपको यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं डिजिटल गोल्ड में तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट का। सबसे पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है गुल्लक गोल्ड प्लस का, तो जो ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 16% का रिटर्न्स अर्निंग होगा पर ईयर। बट यहाँ पे आप 10 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिनिमम 3400 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे एक बार में। अगर आपके पास इससे भी ज्यादा अमाउंट है तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिल्वर का, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे सिल्वर में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब उसके नीचे यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शन मिल जाता है डिजिटल गोल्ड का, तो इस डिजिटल गोल्ड में आप मिनिमम 10 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको पर ईयर जो रिटर्न अर्निंग होगा वे 11% का ही होगा, 11% से यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा। तो आपको इन 3 ऑप्शन में से जिसमें भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं सिंपली आपको उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे अमाउंट इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना अमाउंट इंटर करना है कि यहाँ पे आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने समरी आ जाएगा कि यहाँ पे आप कितना अमाउंट का गोल्ड बाय कर रहे हो और यहाँ पे आपको कितना गोल्ड मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा GST चार्ज कितने पे करने होंगे वे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3% GST पे करने होंगे। अब यहाँ पे आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उस पे 3% का यहाँ पे चार्ज लग जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जिस भी मेथड के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो सिंपली आपको उस पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं पेटीएम के थ्रू यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमें पे पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पे पे क्लिक करेंगे ये हमारी डायरेक्ट कर देगा हमारे पेटीएम में। अब हमें अपने पेटीएम से यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने पे करने का ऑप्शन आ गया है। अब सिंपली यहाँ पे हमें पैसे पे कर देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पैसे पे कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो पेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पे मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट किया है डिजिटल गोल्ड में। अब सिंपली यहाँ पे हमें मे बी लेटर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किया होगा वे सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट किया है और अभी जो इसका वैल्यू है 9 रुपए 79 पैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अब यहाँ पे आपके
इन्वेस्टमेंट पे जितना भी रिटर्न्स बनेगा वे सभी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न्स अर्निंग हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये सभी डिटेल्स देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से चलिए हम बैक जाते हैं। अब यहाँ पे आपको और भी पैसे इन्वेस्ट करना है तो सिंपली आप इन्वेस्ट मोड पे क्लिक करके यहाँ पे आप और भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ से अपने पैसे को विड्रॉ करना है तो सिंपली आपको विड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ से पैसे विड्रॉ करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले ये डिलीवरी क्वाइन में सिलेक्ट रहता है तो यहाँ पे आपको कैश पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेल गोल्ड एनीवे। सिंपली आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने गोल्ड को सेल करके अपने पैसों को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।